जिला पठानकोट का विधानसभा जी भूआ, मैं इत्थे पहुंचिया। मेरा बहुत ही प्यारा भरा गगन बिंदू कनेडा तो वापस आया, मम्मी डैडी आए ने वापस, और मेरा परिवार है, मैं मिलने वास्ते आया और बड़ा अच्छा लग रहा जी, क्योंकि 2012 के मैं विधानसभा इलैक्शन भोए तो लड़ी सी और बहुत सारे इत्थे साडे पुराने वर्कर भी जिहड़े ने पार्टी नाल हुण भी जुड़े हुए ने, वह मिलने वास्ते आए हैं। सो बड़ा अच्छा लग रहा जी और एक परिवारक फेरी ते आया मैं। हाँ जी, तो हुण मजीठिया साहब जदों कैबिनेट मंत्री होंदे सी, सरकार होंदी सी, ते उदों तां इन्हां ने कुछ कीता नहीं, हुण बयानबाजी करी जांदे आ। ते हवा दे विच तां बेसिकली अकाली दल ने रख्या पंजाब नूं। अकाली दल की गौरमेंट लंबा समा रही है पंजाब दे विच, बादल साहब 5 बार चीफ मिनिस्टर बने, तो अकाली दल दीआं नलायकियां करके अज पंजाब दे लोक जिहड़े आ ओह बेरोज़गार ने। पंजाब दे सिर ते 3 लाख करोड़ का कर्जा, और पंजाब की जिहड़ी सब तो त्रासदी रही है कि अकाली दल की माड़ी लीडरशिप जिहड़ी आ, जिहड़ी करप्ट सीगी, जिहड़ी जिहदा आई क्यू लैवल सीगे नहीं राजनीति का, उन्हां लोकां नूं अकाली दल वालिआं ने पैसे दे दे के इलैक्शन लड़ाइया, पैसे लै के इलैक्शन लड़ाइया, तो इदां दे काम करती रही है अकाली दल। तो इन्हां लोकां नूं मजिठिया होवे, सुखबीर बादल होवे, बादल साहब होण, ये तो सिर्फ हुण गल्लां करन जोगे ने जी। अगे मैं तुहानूं गरंटी नाल कह सकदा कि आने वाले 10-15 साल तक अकाली दल तो इत्थे भुल गए, तो कोई आधार नहीं अकाली दल का पंजाब 'च। देखो जिम्मेवारी तो अस तो आम घर के बच्चे हाँ, मेरे फादर साहब साइकिल रिपेयर का काम करते रहे, और जो मैं भोए तो इलैक्शन लड़ी सी, मैं 3200 वोट पई सी। 2017 मैं नाभा विधानसभा तो मैं उसी टिकट मिली, मैं 42000 वोट पई, सैकंड नंबर पर मैं रहा, कांग्रेस विन कर गई सी। तो हूँ तीजी बार जो इलैक्शन लड़ी आ, तो एक तरफा ही मुकाबला सीगा, कांग्रेस तो अकाली दल तो BJP सारे जमानत जब सी, तो आम आदमी पार्टी वड्डी लीड नाल नाभे विधानसभा जीती है। तो MLA बन जाना बहुत वड्डी गल हुंदी है जी, क्योंकि जिम्मेवारी जिहड़ी है ना जी। मैं अक्सर एक गल कहना कि जिहड़ा तुसीं जिड्डे मर्जी वड्डे उहदे ते पहुँच जाओ, अगर थोड़ा IQ लैवल, अगर थोड़ी पोलीटिकल विल पावर स्ट्रोंोंग नहीं ना, तुसीं कुछ नहीं कर सकते। अगर थोड़ी पोलीटिकल विल पावर स्ट्रोंोंग आ, तुसीं भावें बूथ इंचार्ज हो, तो तुसीं तां भी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते। साधु धर्मसोत ने 64 करोड़ रुपए का गरीब बच्चों का वजीफा घोटाला किया, नगर कौंसल नाभा दे विच उन्होंने बहुत वड्डा करप्शन जिहड़ी कीती सी। तो जिवें साडी सरकार बनी, तो राइट वे उन्हां ते एक्शन होया, जेल च भी रहे और नाभा की जेल च रहे, तो अगे भी उन्हां दी इनक्वायरी जिहड़ी आ लगातार चल रही आ, तो बहुत जल्दी नहीं। ये तो देखो विरोधियों का काम हों जी, उन्होंने कोई ना कोई इदा, क्योंकि वेले ने काम का कोई है नहीं उन्होंने। तो असी तो नाभा शहर के बस स्टैंड, नाभा शहर के वाशरूम टॉयलेट, और नाभा शहर के डंप मुक्त नाभा करन दा मिशन जिहड़ा शुरू किया है। मैं एक स्लोगन नाभा के लिख के लाए हुए आ, बोर्ड लगे हुए हैं कि मैं नाभा हाँ, मैं नाभा हाँ, मैं तुहाडा हाँ, मैनू साफ रखो, और उहदे तहत असी काम कर रहे हैं सारे। और मेरा सुपना कि नाभा शहर नूं पंजाब दे विच्चों नंबर 1 शहर लैके आना, सफाई के तौर पर, ट्रैफिक के तौर पर। मैं बाहर रहा लंबा समा, बाहर का सिस्टम सारा देखिया, तो उस तहत काम कर रहे हैं। बाकी विरोधियों का काम है, उन्होंने थोड़ा बहुत तो विरोधियों बोलना भी पैंदा जी, क्योंकि देखो मेरे को पूरे तत्थ है नहीं, मैं उदा ही कोई गल कह, पर साडे जिहड़े मिनिस्टर ने हरजोत बैंस साहब, जिन्हां कोल डिपार्टमेंट आ, बड़ी बरीकी नाल ते काम कर रहे हैं। अगर कोई इदां दे आंसर काम करदे आ जिहड़े माइनिंग दे विच इनवॉल्व ने, उन्हां ते सख्त सख्त कार्रवाई होई। सर गुरदेव सिंह देवमान, ये कोई नवां नाम नहीं हैगा, 2012 दे विच जदों इन्हां ने पहली बारी विधानसभा इलैक्शन जिहड़ा PP पार्टी वल्लों हलका भुआ तों लड़िया सीगा, उदों दे हलका भुआ दे लोक इन्हां नूं बहुत चंगी तरह जाणदे ने। सो अज वो अपने पुराने मित्र के घर पहुँचे ने, उन्होंने परिवार नाल मुलाकात करने लई। सो अज उन्होंने इत्थे पहुँचन ते मेरे वालों और मेरी सारी आम आदमी पार्टी की टीम वालों उन्होंने वेलकम किया गया, और मैं लगता कि पंजाब दे विच एक बहुत बड़े लैवल दे जिहड़े स्पोक्सपर्सन ने देवमान जी, हर मुद्दे नूं लैके हर टाइम जिहड़ा कि लोगों के पटियाले दे विच, पूरे पंजाब दे विच लोगों की सेवा दे विच हाजर रहिंदे ने। सर अज बहुत ही माण महसूस हो रहा जी,
कि अज अचानक ही मैसेज मिलन तो बाद साढ़े खास साढ़े भोए पिंड मान साहब जी जो एम एल ए नाभा तो साढ़े पहुँच रहे थे बड़ी खुशी हुई तो अं यकदम जोड़ा है प्रोग्राम उन्होंने जो आदर सम्मान किया और खास करके जो भोया जोड़ा पिंड है वो बड़ा ही खुशियां मना रहा कि दूसरा वार दूसरी वार जोड़े है साढ़े मान साहब जी जोड़े है साढ़े विराजमान होए ना तो मैं तो इन्हों इतने आन से अपने टीम वालों अपने भूआ वासियों वालों बहुत ही दिलों इन्हों का इतने पहुँचने धन्यवाद करता जी। देव मान को मैं बहुत ज़्यादा मिलना चाहता सी जिन्होंने देख के इतने बहुत खुशी हुई है इन्हों की जो बज दी है वो बज इन जे अल्फाज मैं सुने अल्फाज उन्होंने देख के मैं मैं इसी उम्र मैं होर इंफॉर्मेशन मिली है कि मैं होर वधिया काम करा उन्होंने कहा बूथ लेवल से जो बंदा काम करता वो अपनी दिल भावना काम करे तो कितने भी अगर बहुत वधिया बन सकता इस करके इतने इन्हों का आना बहुत साढ़े सौभाग्य वा भी ये वधिया शख्सियत जी इतने आई।